हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश शर्मा एचआर रियल्टर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी तक जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। फ्रेंड्स, आज मैं एक नई प्रॉपर्टी के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। इस प्रॉपर्टी का जो साइज़ है वो 194 स्क्वायर यार्ड है, और 194 स्क्वायर यार्ड में आपको 5 बेडरूम विला दिया गया है, डुप्लेक्स विला। और जैसा ये आप देख सकते हैं, ये इसकी आपकी बर्म मिल जाती है आपको। इस बर्म में भी आप इजीली एक गाड़ी, आप छोटी हो या बड़ी गाड़ी, इजीली पार्क कर सकते हैं। और ये है हमारा फ्रंट यार्ड, इसमें भी आपकी गाड़ी पार्क इजीली हो सकती है, चाहे छोटी साइज की गाड़ी हो या बड़ी साइज की। तो आपको दो गाड़ियों की इजीली आपके घर के अंदर पार्किंग मिल जाती है। और यहाँ आप देख सकते हैं, आपको ग्रीन एरिया दिया है। आपने हमारी और भी प्रॉपर्टीज की वीडियो देखी है, उसमें जो ग्रीन एरिया होता है वो इस साइज से थोड़ा सा छोटा होता है। इसमें ग्रीन एरिया आपको काफी वाइड ग्रीन एरिया मिल जाता है। और ये है हमारा फ्रंट लुक घर का। और ये है फ्रंट एंट्रेंस हमारे विला की, ये इसका मैश डोर आ जाता है। और जैसे ही आप विला में एंटर करते हैं, आप देख सकते हैं जो आपकी ये पासेज गैलरी है, इसमें भी हमने कुछ एक वुडन का और ग्लास का हमने वर्क किया है। विला में एंटर करते ही राइट हैंड साइड में आपको मिल जाता है ड्राइंग रूम। आप देख सकते हैं इसकी फॉल सीलिंग, अगर आप देखेंगे इसमें फॉल सीलिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, जिसमें हमने वुडन का वर्क भी किया है। और वो जो ब्लैक एरिया आप देख रहे हैं फॉल सीलिंग में, इसमें रात को आपको एक LED लाइट मिल जाती है कलरफुल। और इसमें एक वॉल पर वॉलपेपर दिया है। AC की प्रोविजनिंग आपको मिल जाती है। और ये आप देख सकते हैं, ये है आपकी ड्राइंग रूम की विंडो, जिससे कि आपका जो मैंने बताया था, आपका जो पार्क एरिया है, ग्रीन एरिया है, उसका व्यू आपको मिल जाता है काफी अच्छा। अगर आप इसको अच्छे से मेंटेन करते हैं तो काफी एक अच्छा व्यू मिलेगा आपके ड्राइंग रूम से। और आप ये देख सकते हैं, एक तरफ हमने वुडन का काफी अच्छा कैबिनेट बनाया है। इसमें कल को आप कोई शोपीस है, कोई फ्लावर पॉट है, वो भी रख सकते हैं, जिससे कि आपका ड्राइंग रूम और खूबसूरत हो जाएगा। और ये आपका आ जाता है डाइनिंग एरिया। इसमें भी हमने आपको डाइनिंग एरिया में भी LED पैनल दिया है। कई बार होता है कि आप चाहते हैं कि आप खाना खाते वक्त भी TV देखें, तो उसके लिए हमने LED पैनल आपको दिया है। और इसकी फॉल सीलिंग आप देखिए, काफी डिफरेंट है और वीडियो से। और ये सामने आप देख सकते हैं, एक आपको डिजाइनर कैबिनेट दिया है पूरा। इसको आप जिस जैसे भी चाहें इसको आप खूबसूरत बना सकते हैं। और आपको एक वॉशिंग एरिया मिल जाता है, बजाय कि आपको वॉशरूम जाएं, अगर आप अपना लंच करते हैं, डिनर करते हैं, आप इजीली आप हैंड वॉश कर सकते हैं। और ये है हमारा फुल्ली मॉड्यूलर किचन। इसकी फॉल सीलिंग देखिए, नॉर्मली ऐसी फॉल सीलिंग सिर्फ बेडरूम्स में या ड्राइंग रूम में मिलती है, हमने किचन में भी इवन इतनी सुंदर फॉल सीलिंग, इतने सुंदर कैबिनेट्स, हर चीज बहुत ही हमने मतलब अच्छी दी है इसमें। चाहे मैं अगर चिमनी की बात करूं, ये भी ब्रांडेड है। सभी कैबिनेट्स जो हैं या ड्रॉर्स हैं हाइड्रोलिक हैं, तो कोई भी शोर नहीं होता है अगर आप इसे बंद करते हैं तो। और ये स्पेस आपको मिल जाता है आपके फ्रिज के लिए, और इसी के साथ आपको मिल जाती है पेंट्री, अपना स्टोरेज जहां पे आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये घर अंदर से बहुत ही खूबसूरती से बनाया है, बहुत ही खूबसूरती से। और ये है हमारा फर्स्ट बेडरूम, काफी स्पेशियस बेडरूम है। इसकी फॉल सीलिंग सिंपल है, सोबर है, बट हमने उसमें वुडन का कलर कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा किया है कि काफी खूबसूरत लग रही है। और इसमें आपको एक ड्रेसिंग एरिया भी आपके बेडरूम के साथ मिल जाता है। और ये जगह है आपके स्टोरेज के लिए, कोई अपना ड्रेसिंग जो एरिया का सामान होता है उसको आप इजीली स्टोर कर सकते हैं इसमें। और ये है आपका LED पैनल, कुछ डिफरेंट है जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें आपको कुछ लाइट बॉडीज दी हैं अंदर।
और ये है आपकी विंडो जिससे कि आपको सनलाइट, नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन इजीली मिल जाती है। और ये है इसके वार्डरोब्स, आप देख सकते हैं इसमें फुल हाइट वार्डरोब्स हैं, तो आपको एक एक्स्ट्रा स्टोरेज मिल जाती है और यहीं से एक्सेस होती है आपका आपके अटैच वॉशरूम की तरफ। इसके वॉल्स में टाइल दी हैं। अगर आप मैं फ्लोरिंग की बात करूं, एंटी स्केट टाइल्स जैसा कि आजकल हर बाथरूम में यूज होती हैं। अब मैं आपको ले चलता हूं सेकंड बेडरूम की तरफ। यह है हमारा सेकंड बेडरूम। आप इसकी अगर आप फॉल सीलिंग देखेंगे, इसमें थोड़ा डिजाइन में चेंज आ गया। वॉलपेपर की अगर मैं बात करूं, वॉलपेपर का कलर देखेंगे, डिजाइन देखेंगे, वो भी चेंज है। इवन अगर इसकी अलमीरा आप देखेंगे, कलर देखेंगे या इसका डिजाइनिंग डिजाइन पैटर्न देखेंगे, वो भी चेंज हो गया है। इसमें भी आपको फुल हाइट अलमीरास मिल जाती हैं। एलईडी पैनल अगर आप देखेंगे, उसमें भी हमने कुछ चेंजेस किए हैं। कोशिश हमारी यही है कि आपको जो आपका जो भी बेडरूम है, वो हर उसमें कलर कॉम्बिनेशन या जो भी उसमें चीज लगी है, उसका डिजाइन थोड़ा डिफरेंट हो जाए, ताकि आपको ऐसा फील ना आए कि हर एक बेडरूम एक ही पैटर्न में और एक ही कलर में बने हुए हैं। और यह है हमारा अटैच वॉशरूम। इसमें भी सेम और वॉशरूम्स की तरह एंटी स्केट टाइल्स, वॉल्स पे टाइल्स मिल जाती हैं आपको। और फिटिंग्स जो भी है हमारी, इवन चाहे वो इलेक्ट्रिकल फिटिंग है या हमारी वॉशरूम की फिटिंग्स हैं, वो सभी ब्रांडेड हैं। और यहां से आपको एक्सेस मिल जाती है आपके बैकयार्ड की तरफ। और जैसे अपने बैकयार्ड में आप एंटर करते हैं, यह आपको एरिया मिल जाता है, वॉशिंग एरिया। आप अपनी वॉशिंग मशीन यहां पे फिट कर सकते हैं इजिली। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको ले चलता हूं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। आप देखेंगे जब आप फर्स्ट फ्लोर की तरफ स्टेयर से एंटर करते हैं, इस वॉल पर आपको पूरे वॉल पर ही आपको वॉलपेपर दिया है, जिससे कि थोड़ा सा डिफरेंट लुक हो जाती है। और फर्स्ट फ्लोर पर एंटर करने से पहले एक वुडन का कैबिनेट, जस्ट आपकी आप इसमें फ्लावर पॉट रखें, कुछ भी इसमें रख सकते हैं, घर को सजाने वाली चीज। और इसमें आप फॉल सीलिंग देख सकते हैं, नॉर्मल फॉल सीलिंग है। अगर आप चाहें तो कल को इसको सुंदर बनाने के लिए इसमें शैंडिलियर भी लगा सकते हैं या कोई डिजाइनर लाइट्स इसमें लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, जैसा ही हम फर्स्ट फ्लोर में एंटर करते हैं, ये है आपका पूजा रूम। इसको आप पूजा रूम और इसको एज ए आप स्टोरेज भी यूज कर सकते हैं, और इसको एज ए स्टडी रूम भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और यह है हमारा फर्स्ट फ्लोर पर थर्ड बेडरूम। इसमें आप देखेंगे फॉल सीलिंग टोटली डिफरेंट है। यह आपका एलईडी पैनल, इसमें भी हमने एक आपको ड्रेसिंग एरिया दिया है विद स्टोरेज। और एक वॉल पर आपको वॉलपेपर मिल जाता है। हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरह ही सेम पैटर्न में हमने इसमें अलमीरा दी है, फुल हाइट अलमीरा से सेम आपको ज्यादा स्टोरेज मिल जाती है। और ये आपका वॉशरूम, इसमें आपको जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें आप ग्लास पार्टीशन मिल जाती है आपको, ताकि आपका जो वॉशरूम है वो अगर आप उसे नहाने के लिए यूज कर रहे हैं तो सारा एरिया उसमें वेट नहीं होता। और ये जो विंडो आप देख रहे हैं, ये आपका बैकयार्ड का व्यू आपको देती हैं, नेचुरल लाइट के लिए, वेंटिलेशन के लिए। और ये है हमारा थर्ड बेडरूम। इस बेडरूम का साइज थोड़ा सा छोटा है, इसको आप एज ए किड्स बेडरूम भी यूज कर सकते हैं। इसमें हमने थोड़ा सा चेंज किया है, इसमें हमने वॉलपेपर ना देने की बजाय कुछ हमने इसमें टेक्सचर का वर्क किया है। और इसी बेडरूम से आपको एक्सेस मिल जाती है आपकी फ्रंट बालकनी की तरफ। और यह है इसकी फ्रंट बालकनी, आप देख सकते हैं बहुत स्पेशियस है।
आप मॉर्निंग टी के लिए, इवनिंग टी के लिए इसमें इजीली अपना काउच लगा सकते हैं, इसमें सेंटर टेबल लगा के चेयर्स लगा सकते हैं। एंड ये है हमारा फिफ्थ बेडरूम एंड लास्ट बेडरूम। इसमें आप देख सकते हैं थोड़ा सा हमने जो अलमीरा देने का पैटर्न है थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया है। अगर आप चाहेंगे इस सेंटर में अपना डबल बेड इजीली फिट करके आपको साइड दोनों साइड में स्टोरेज मिल जाती है, और इस विंडो से आपको फ्रंट व्यू मिल जाता है जो कि आपकी बालकनी का व्यू भी है, और आपका एलईडी पैनल इसमें काफ़ी बड़ा एलईडी पैनल आपको मिल जाता है जो कि आपके साथ में ड्रेसिंग एरिया भी आपको दिया है। इसमें इसमें मिरर आपको मिल जाता है, इसको एज ए ड्रेसिंग एरिया आप यूज़ कर सकते हैं। और ये है इसका वॉशरूम, अटैच वॉशरूम। और ये एक्सेस रहती है आपकी टेरेस के लिए। ये वैसे फर्स्ट फ्लोर का एरिया है, इसको भी आप कल को इसको अगर आप चाहें तो उसे कवर कर सकते हैं। इस एरिया को भी आप यूज़ में कर सकते हैं, अपनी स्टोरेज बना सकते हैं, रूम बना सकते हैं। और ये जो स्टेयर्स हैं ये जाती हैं टेरेस की तरफ, आपको ओपन टेरेस मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, होपफुली आपको हमारा ये विला पसंद आया होगा, हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक बार मैं दोबारा आपको इसके बारे में बता देता हूं, इसकी जो लोकेशन है वो सेक्टर 125 न्यू सनी एनक्लेव मोहाली है, जो कि चंडीगढ़ और चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से काफी क्लोज है। और इसके साइज की अगर बात करूं 194 गज में बना हुआ 5 बेडरूम विला है। और इस विला के रिगार्डिंग अगर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए या आप इस विला को विजिट करना चाहते हैं, आप नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।